વડોદરા શહેર રેલવે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ આજ રોજ ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રેલવે યુનિવર્સિટી HSRTI હોસ્ટેલમાં એક રૂમમાં બે વિદ્યાર્થીઓની વ્યવસ્થા હોવા છતાં યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા એક રૂમમાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મજબૂર કરતા આજે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. દેશની સર્વપ્રથમ રેલવે યુનિવર્સિટી વડોદરામાં સ્થાપવામાં આવી છે, જ્યાં રેલવેના લગતા વિવિધ અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. અહીં દેશભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવ્યા છે અને યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલી હોસ્ટેલમાં તેઓ રહીને અભ્યાસ કરે છે. હોસ્ટેલમાં એક રૂમમાં હાલ સુધી બે વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હતા. બે વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે એટલી જ વ્યવસ્થા ધરાવતી રૂમમાં હવે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મજબૂર કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અંગે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોને રજૂઆત કરતા તેઓ પાસે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર નથી તેવો ઉદ્યત જવાબ મળતા આજે વિદ્યાર્થીઓએ આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું. આજે રેલવે યુનિવર્સિટી ખાતે વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થઈને ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને યુનિવર્સિટી દ્વારા આ નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. મેં આકાશ અભિનવ હું, મેં યહાં પે સેકન્ડ યર કા બીબીએ કા છાત્ર હું. દેખિયે, કોલેજ પ્રશાસન ને અપના દિખાવા એસા કર દિયા કે હાથી કે દાંત દિખાને કે કુછ ઓર ખાને કે કુછ હો ગયા. યે બોલતે કુછ હૈ કરતે કુછ હૈ. हमारा पहला मांग है कि इन्होंने जब हमारा एडमिशन हो रहा था तो साफ कहा था कि हमारा जो हॉस्टल है उसमें एक रूम में दो ही बच्चे रहेंगे, बट अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हम तीन बच्चे कर रहे हैं. जब हम ये मांग लेके डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारी मन हम तीन करें चार करें, आप कौन होते हैं जो पूछ रहे हैं. तो देखिए, ये बहुत ही गहरा मुद्दा है. हम अपना और फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं हमें हॉस्टल में तीन बच्चों में वो इनफ नहीं है, ठीक है. दूसरी बात कि जब हम कॉलेज में आ रहे थे तो हमारा प्लेसमेंट का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था हमारे लिए. बच्चे का भविष्य, माँ बाप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं और उसके बाद 100 बच्चे में मात्र 20 से 25 का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है. और इसमें बहुत ही मतलब गहरा मुद्दा है बच्चों के लिए. और हम यहाँ आज जुटे हैं कॉलेज प्रसांगण में कि हमें अपने मांग को बहुत पीसफुली रखना है, प्रोटेस्ट करना है. हम कोई भी तोड़फोड़ ये सब नहीं कर रहे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने का हमारा अधिकार जो है उसको हम हम लोग यहाँ पे 750 से 1000 स्टूडेंट है जो अपने मांग को लेकर खड़ा हुए. मेरा नाम आकाश अभिनव है, मैं BBA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो अब गसी शक्ति विश्वविद्यालय हो चुके हैं. वही है ना, उसी के लिए तो वो स्टेज पे आना चाहिए डिस्कशन के लिए. हमको सुबह से हम उसको बुला रहे हैं लेकिन अभी तक आए नहीं. आपके सामने भी हुआ था, मैंने उनको क्या बोला था, आप भाई साहब मॉब एक शो मत करो, आप आ जाइए हम डिस्कस करेंगे, पूरा फैकल्टी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हम जो भी है आपका मांग जो भी है हम डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो कुछ मांग लिया और हमने कुछ हाँ बोल दिया ना बोल दिया, दोनों ठीक नहीं है. इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी है रेलवे की है, सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है. सर जो स्टूडेंट की जो मांग है वो मांग आपको सुनाई दी सही? सी स्टूडेंट्स, आप भी स्टूडेंट कभी ना कभी, तो मैं तो मैं भी स्टूडेंट था कभी ना कभी, और हम भी ये मीन जो भी हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ से जा चुकी है तो हम भी कभी मांगते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मांगते हैं सब हो जाएगा, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो उनके कंसल्टेशन के बिना नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा. वो समझने के लिए मैं उनको बुलाया था, आप आ जाइए हम बात करेंगे, आपका समझेंगे हम. मामीन ऊपर जो भी वाइस चांसलर है नहीं तो रेलवे मिनिस्ट्री है, उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि क्या पॉसिबल है नहीं, क्या नहीं भी पॉसिबल है. वो तो हो सकता था लेकिन अभी भी पॉसिबल है. इसलिए मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि आप आ जाइए, हम टेबल में बैठ के बात करेंगे. लेकिन सर आप मानते हैं कि जो फैसिलिटी उन लोगों को देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऐसा बोल रहे स्टूडेंट तो है, ऐसा है या? अगर ये सिचुएशन में नहीं होता तो मैं आपको उनका क्लासरूम, उनका सुविधाएं जो भी है वो दिखा देता था. अभी वो ठीक नहीं है, आपको कभी दूसरी ओकेशन में मैं दिखा दूंगा. आप खुद कन्विंस कर दीजिए कि ये फैसिलिटी किसी और जगह उनको मिलती है कि नहीं. यानी आप मानते हो कि उनको जो फैसिलिटी मिल रही है वो सही है? फैसिलिटी अच्छा मिल रही है. ओके, आप उनका हॉस्टल रूम आप जाके देख लीजिए. ओके, क्लासरूम देख लीजिए कौन सी लेवल का है ये सब. फिर आप डिसाइड कर लीजिए कैसा है. सर ये नहीं है कि ये वन साइड हो रहा है कि उन लोग जो मांग रहा है हम नहीं, हम कभी ना बोला नहीं है. लेकिन आपका जो भी डिमांड्स है आप हमारे साथ आके डिस्कस कर लो, उसके बाद बताएंगे.